साथियों, कांग्रेस देश की रक्षा की ही नहीं बल्कि देश के विकास की भी हमेशा से विरोधी रही है। गुजरात में इतने साल मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इसे खुद महसूस किया है। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं चाहता था कि हिमाचल में विकास की योजना तेजी से आगे बढ़े। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। जब मैं दिल्ली में बैठा तो हिमाचल के साथ मेरा लगाव रहा था, हिमाचल ने मुझे बहुत प्यार दिया था, तो मुझे स्वाभाविक बैठते ही हिमाचल याद आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन भाइयों बहनों, उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी और मुझे आज भी याद है केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं को कैसे यहां की कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं होने दिया, अड़ंगे डाले, रुकावटें डाली। उनके दिमाग में तो यही नशा था कि मोदी होता कौन है, ये दिल्ली सरकार होती कौन है, हमारी मर्जी क्या करे क्या ना करे और मोदी की योजनाओं को लागू करेंगे तो ये हिमाचल के लोग तो मोदी को अपना नेता मानेंगे, हमें तो मानेंगे नहीं। इसी चिंता में दिल्ली से मैं योजना भेजता था, पैसे भेजता था, वे इसको अड़ंगे लगा करके बैठ जाते थे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। 2014 से और 2016 के बीच यहां कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में आपने मुझे बिठाया था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर बना लिए, जो शहर में लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, जैसे सुंदरनगर हो, मंडी हो, शिमला हो, कांगड़ा हो, जिनके पास घर नहीं है भाई उनको घर होना चाहिए। और ये पहाड़ों में ठंड में झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करते हैं, उनको अच्छा पक्का छत वाला घर मिलना चाहिए। तो हमने प्रधानमंत्री शहरी विकास घर बनाने की योजना के तहत हमने पैसे दिए। उनका काम था सिर्फ उन पैसों को खर्च करके लागू करना। 2014 से 17, ये मेरे पत्रकार मित्र भी आंखें फट जाएगी आपकी सुन करके, 2014 से 17 इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा मेरा हिमाचल, ये मेरी वीर भूमि, वीर माताएं, कितने घर बने होंगे। 14 से 17 पैसे भारत सरकार दे रही थी, कितने घर बने होंगे आप अंदाज लगा सकते हो? मैं बोलूंगा तो आपको भी शर्म आएगी कि ऐसी सरकार यहां चलती थी कांग्रेस की। पूरे हिमाचल में सिर्फ 15 घर बने, 15। और जरा जोरों से बोलो। आप ध्यान दीजिए साथियों, सिर्फ 15 घर। और जैसे ही आप लोगों ने हिमाचल को डबल इंजन की सरकार दी, दिल्ली में मुझे और यहां पर जयराम जी को, तो जो योजना लगाने के लिए मैं 14 से लग रहा था, जिसको लटका करके बैठे थे, अटका करके बैठे थे, अड़ंगे लगा करके बैठे थे, उनको आपने हटाया, जयराम जी को बिठाया। कहां 15 घर, और हमने 10,000 घरों पर काम शुरू कर दिया। कितने भाई, कितने घर, कितने माताएं बहनें, जरा बोलते कितने, उनके कितने थे, उनके कितने थे, हमने कितनों पर काम शुरू किया। और मुझे आज संतोष से कहना है, जयराम जी और उनकी पूरी टीम को अभिनंदन करना है, इसमें से 8,000 से ज्यादा घर
पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है, वो भी कुछ समय में पूरे हो जाएंगे। कहां 15 घर वाली कांग्रेस की सरकार और कहां 8000 घरों को बनाने वाली डबल इंजन की सरकार। अब आप तय कीजिए कि आपको 15 घर बनाने वाली सरकार चाहिए कि 8000 घर बनाने वाली सरकार चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए? निर्णय आपको करना है दोस्तों। मैं कह रहा हूं इसलिए करो ये नहीं कहने आया हूं, मैं हिसाब देकर के कह रहा हूं कि हम आपके लिए काम करने वाले लोग हैं।